हेलो दोस्तों, तो देखिए आज मैं आपको कच्चे टमाटर की चटनी बना के बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ दो कच्चे टमाटर लिए हैं, इसे हम आग पे पका लिए हैं। पकाने के बाद इसका हम छिलका निकाल लिए हैं। और देखिए यहाँ हम एक हरा मिर्च लिए हैं, दो लहसुन है, टेस्ट के अनुसार नमक लिए हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं या मिक्सी जार में पीस सकते हैं। तो देखिए इसे हम मिक्सर जार में डाले हैं। अब इसे हम पीसे हुए चटनी को पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए ये मेरा चटनी पेस्ट बन गया है। अब इसे हम एक बॉल में निकालेंगे और इसमें हम तेल डालेंगे एक चम्मच और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो देखिए ये हम मिक्स कर रहे हैं यहाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।